Hey, what is up guys, it's me Aaron और आज का इस वीडियो का टॉपिक है माई वर्ल्ड। मैं अपने वर्ल्ड का टूर करूँगा। एज यू कैन सी अभी मैं अपने वर्ल्ड में अकेला हूँ, तो आई थॉट क्यों ना किया जाए। सो या तो मेरे वर्ल्ड का नाम कॉपी ऑफ आवर क्राफ्ट, आई मीन ये जो मेन सर्वर था उसकी कॉपी है। एक तरीके की कॉपी कह लो कि कुछ भी कह लो यार, इट्स जस्ट अ बैकअप। हाँ, बैकअप समझ लो, क्योंकि बैकअप बनाना रखना आई मीन ठीक होता है, बाई चांस वर्ल्ड लूज ना हो जाए वगैरह वगैरह, जो कि बहुत बार हुआ है। सो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं आर्मर से, तो नहीं आगे ही से करेंगे भाई। तो स्टार्टिंग में ही एज यू कैन सी मैंने इंडियन फ्लैग वगैरह सब कुछ बना के रखा है, क्योंकि ये एक तरीके का ये पूरा एरिया स्पॉन एरिया है। स्पॉन तुम लेते हो उस जगह पे, मेरा ये पूरा वर्ल्ड का नया नया स्पॉन है, तो स्पॉन यहीं पे इसके अंदर यहाँ पे लिया जाता है कहने का। तो अभी तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले अपने ऑटोमेटिक फार्म से। ये मेरा ऑटोमेटिक फार्म है और आई मीन लुक्स वगैरह के लिए इसमें सब झाड़े वाड़े लगा के रखे हैं भाई, इट्स नथिंग दैट गुड, पर बहुत ही अच्छा फार्म है। एज यू कैन सी ये आगे गया, क्योंकि ये शुगर केन जैसे ही ग्रो हुआ जो रेडस्टोन टॉर्च है उसको एक्टिव करता है, और वो रेडस्टोन टॉर्च सारे के सारे पिस्टन्स को एक्टिव कर देता है, क्योंकि शुगर केन बहुत टाइम लेता है ग्रो होने में। तो जैसे ही ग्रो हुआ उसने बैम्बू को आगे पुश किया, वो बैम्बू पानी में गिरा और हॉपर से कलेक्ट होता हुआ पूरा का पूरा इसमें आया, और फिर यहाँ से इसमें गया। एज यू कैन सी मेरा फुल है, क्योंकि मैं यूज़ करता ही नहीं हूँ। सो या तो अभी तो मैं मेनली अपने पुराने बिल से ही स्टार्टिंग करूंगा। देयर इज अ फ्लॉ। हाँ, आई वाज सेइंग कि मैं जो भी दिखाऊंगा भाई अभी स्टार्टिंग में तो पुराने बिल से ही दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा नया नया बिल पे जाएंगे। सो ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी लाइक ये वर्ल्ड ही मेरा अराउंड 4-3 ईयर्स पुराना है। यस, तो ये मेरा फार्म हुआ करता था, आई मीन आई यूज टू, पर फिर डूपिंग वगैरह सब सीख गए तो यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि फूड अपने पास रियली इनफिनाइट रिसोर्स वगैरह सब है भाई। और ये हमारा वर्ल्ड, क्योंकि यार ये इसको मैंने इस वजह से बनाया, आप तो नए नए माइनक्राफ्ट में आते हो क्या बनाते हो, या तो ऊपर बनाते हो या तो नीचे बनाते हो, मैंने आसमान में बनाया था, तो इसको थोड़ा थोड़ा राघव ने रीमॉडल किया है। आई मीन इट्स स्टिल अंडर प्रोसेस, एज यू कैन सी टूटा वगैरह सब कुछ इधर इधर से टूटा है, तो इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ भी कह लो इट्स ऑन यू। तो हम इस एरिया को लीव करेंगे, और कहाँ है भाई पानी, वो भाई बड़ा खतरा है भाई, कितना नीचे बना दिया मैंने। ओह शिट, आई एम डेड। ओह वाओ, आई एम अलाइव। ओके, तो हम चलते हैं दूसरी चीज दिखाने। ये अभी मेरा एक स्टोरेज सिस्टम है। ओके, सो दैट स्टोरेज इज वन, आई मीन स्टोरेज कह लो कि घर कह लो, इट्स ऑन यू। वैसे हम लोग यूज़ तो इसको सब तरीके के लिए करते, सोने के लिए भी यूज़ करते थे, अपना जो भी आइटम वगैरह था स्टार्टिंग में यहीं स्टोर किया करते थे, और वो एक तरीके की नई नई बिल्डिंग टाइप की थी, कि उसमें तो लाइक बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सामान याद रहा अपन सोने को वहाँ जाओगे उससे अच्छा बेड ही मैंने रख दिया था यहाँ पे। तो हम लोग एंटर करेंगे एज अ रिमेम्बर, ये अपना पहला डायमंड का बार बनाया था जो कि आज भी यहाँ पे है। और एज यू कैन सी नीचे एक सीक्रेट चेस्ट भी है, लाइक राघव ने सब कुछ नेम वगैरह कर दिया है, सो इट डज आई मीन पुरानी यादें कि मैं भुलक्कड़ पर्सन हूँ। सो एन्चेंटमेंट बुक वगैरह वगैरह रैंडम स्टफ यहाँ पे सब कुछ माइनिंग का सामान रहता था, एज यू कैन सी माइनिंग से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हैं। अभी थोड़ा नॉर्मल सामान आ गया है, क्योंकि कचरा टाइप का ही फेंकता जा रहा था मैं यहाँ पे, और इस जगह पे फूड, एज यू कैन सी लाइक यहाँ पे बस मेनली वही स्टोरेज सिस्टम टाइप का था। ये मेरा आर्मर रूम था, यहाँ पे आर्मर वगैरह स्टोर करते थे, अभी भी स्टोर करते हैं, आई मीन पड़ा नहीं आर्मर, लाइक इन्हीं सब चीज़ों में आर्मर पड़ा रहता था, आई मीन सब यूज़ कर डाला है, अभी फिर से डूब करेंगे तो वापस स्टोर करेंगे, कहीं ना कहीं तो एक स्टोरेज का बॉक्स पड़ा ही होगा। हाँ, और ये एक तरीके का डूपिंग स्टेशन ये भी था, ये अभी भी क्लिच काम करता है, इससे तुम इजीली डूप कर सकते हो अगर तुम्हारे पास उतना सारा रेडस्टोन वगैरह तो सामान नहीं है। लेट मी नो इन दी कमेंट्स अगर देखना भाई कैसे बनाते। एक तरीके की रेडस्टोन क्लॉक है, ये क्लॉक है, हाँ
इसमें से भाई निकलते हैं डायमंड्स और तुम्हें बस यहाँ खड़े होने हैं, ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते रहने हैं तुम्हारे पास एक तरीके से। उससे अच्छा है एफिशिएंट तो वही है। तो क्या दिखाया जाए, जैसे कि अभी मैं अपने डुपिन स्टेशन ही दिखा दे रहा हूँ, ये एक तरीके का मेरा डुपिन स्टेशन है। मैं यहीं पे, लेकिन डुपिन स्टेशन जैसा दिखता भी है, मैं यहीं पे सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं सब कुछ डुप्लीकेट करता था, करता हूँ। अब थोड़ा नया बिल्ड्स पे जा रहा हूँ, जैसे कि अपना जो मेनली स्टोरेज सिस्टम अब हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये एरिया थोड़ा सा क्लियर करना उतना वो नहीं है। लाइक विलेजर्स हम लोग यहाँ से वहाँ विलेज एरिया में ले जा रहे थे तो प्रॉब्लम हुई, तो अभी तो हम लोग स्टोरेज सिस्टम अपना दिखाएंगे। ये एलिवेटर है, अपने आप ऊपर ले जाता है हमें। एंड लुक एट दैट ब्यूटी, जस्ट लुक एट दैट, सब कुछ रेड स्टोन रेड स्टोन रेड स्टोन। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर किसी को इंटरेस्ट है ये बनाने में, बनाने का अपने वर्ल्ड में, मैं एक वीडियो लाइक कर सकता हूँ। सो हाउ इट वर्क्स इज, सारे स्पेसिफिक यहाँ पे चेस के आइटम्स रखे हैं, जैसे कि पोक वुड वगैरह ये सब, जस्ट लाइक दैट, लैपिस, सबका नेम्ड है। तो ऐसे आप कौन कौन चाहेगा कि यार आओ भी देखो कि किसमें सामान पड़ा है किसमें पड़ा है, उससे अच्छा आओ यहाँ पे पिक्चर्स लगी हैं सीधे आओ यहाँ से कुल निकाल लो। तो हाउ इट वर्क्स इज, जैसे कि मैं यहाँ से कोल निकाल रहा हूँ 64 स्टैक, और यहाँ पे आके 64 ऐसे करके इनपुट कर दूंगा, और यहाँ से ऐसे करके सामान निकलेगा अपने आप इसमें चला जाएगा। इफ आई ओपन दिस अप एज यू कैन सी, और कोई चेस्ट में नहीं जाएगा। और अगर तुम माइनक्राफ्ट प्लेयर हो तो तुम्हें पता है कि हॉपर में अगर जाता है सामान तो तुरंत खींच लेता है, एज यू कैन सी उसमें जा ही नहीं रहा हॉपर में। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर देखना है भाई कैसे इसको बनाते हैं। इट्स अ रियली गुड बिल्ड, मैं लाइक तुम्हें बनाना चाहिए, किसको आइटम सॉर्टर नहीं चाहिए अपने वर्ल्ड में यार, क्योंकि तो माइनक्राफ्ट में बहुत सारे आइटम्स वगैरह होते हैं। तो मैं वो दिखा दिया, डू आई हैव अ बो एंड एरो, मेरे पास बो है, व्हाट अबाउट एरो, एरो नहीं है, ओके। आई एम गोना शो यू गाइज वन सीक्रेट, ओके। तो मैं यहाँ से 25 एरो ले रहा हूँ, और यस आई विल शो यू गाइज अ सीक्रेट। एंड यस मेरा बो भी मॉडर्न बो है, लाइक उसका भी वीडियो कर सकता हूँ। सो देयर इज अ सीक्रेट बेस हियर, सो इफ आई शूट एट दैट प्लेस जस्ट लाइक दैट, इट्स गोना ओपन अप द डोर, और कुछ ही देर में जैसे ही वो एरो गायब होगा और बंद हो जाएगा अपने आप। सो होपफुली यहाँ पे पासवर्ड डला हुआ है, और नहीं डला हुआ है, ओके। तो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, आई विल बी राइट बैक। और ये बटन बस हमें एक बार और प्रेस करना है, जस्ट लाइक दैट, सो इट शुड ओपन अप दी डोर। यस एज यू कैन सी, ये हमारा वॉल्ट रूम है, लाइक बहुत ही अच्छे तरीके से ओपन हुआ। सो आई डोंट लाइक दिस प्लेस। तो यहाँ पे अपने स्टैंड्स वगैरह सब कुछ लगे हैं, सुमित्रा लेबर, और ये राघव ने लाइक सीक्रेट टाइप में बनाया था, कल कल ही इसको मेंटेनेंस पे भाई डाला गया था यहाँ से। एक डर्ट ब्लॉक भाई एंडरमैन ले गया था, अच्छा वो एंडरमैन रेडस्टोन नहीं उठा सकता है ना यार, रेडस्टोन को बिल्ड करना ही आफत हो जाता। तो इफ़ वी कम इनसाइड, एज यू कैन सी हमारा शक बॉक्सेस साइड साइड में हर जगह लाइक एवरी एरिया में फिक्स है। इसमें अभी सामान इनपुट करना है, अभी कुछ ना कुछ सामान नहीं पड़ा है पर डालेंगे अभी। और ये हमारा एक तरीके से ब्लॉक है जो कि तुम ऑप्टेन नहीं कर सकते हो, गिलिच के थ्रू ऑप्टेन करना पड़ता है। और या लाइक लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर ज़्यादा बंदे इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड होंगे तो ही मैं वीडियो करूँगा। जैसे कि इसका कर सकता हूँ, बेडरॉक का कर सकता हूँ, वो इवन दी नेदर टिल्ट, नेदर पोर्टल टिल्ट का भी कर सकता हूँ। देयर इज़ वन मोर, मैं ऐसे करके जाऊँगा, एज यू कैन सी बबल कॉलम, लाइक लिटरली इट्स वन ऑफ माई फेवरेट कॉलम, लाइक लिटरली टेडी बियर की कानों टाइप का, लाइक कान टाइप का ही लगता है। सो यू कान पुट इट, अगर मैं इसको ले लूँगा ऐसे, इसको फेंकने दो, मैंने इफ़ आई ट्राई टू पुट इट हियर, एज यू कैन सी मैं प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इट्स लाइक कॉलम, लाइक इट्स फन टू हैव इट, जो तुम गेम में ऑप्टेन नहीं कर सकते हो। दैट्स द स्पॉनर बेडरॉक, और स्पेशली मेरा मॉडर्न आर्मर, एज यू कैन सी भाई मॉडर्न आर्मर है मेरा, और इसका भी वीडियो कर सकता हूँ। लाइक इसमें, लाइक इस वर्ल्ड में कुछ भी तुम्हें चाहिए, लाइक यू वांट, लाइक मेनली तो तुम्हें मॉडर्न स्टफ ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग रैंडम स्टफ, आई मीन रैंडम स्टफ कह रहा हूँ, लाइक ये सब चीज़ें नॉर्मल स्टफ नहीं करते हैं। यस
विल लीव दिस प्लेस, और इसको हाँ मैं दिखा सकता हूँ कि हम लोग ने कैसे बिल्ड किया है इसको। सो इफ आई ओपन दिस अप, होपफुली ये सही ब्लॉक है। ओके सही था ब्लॉक। तो आयरन मिला है क्या मेरे को? ओके मिला है आयरन। ओके सो दैट्स द रेडस्टोन। इफ यू गाइस आर थिंकिंग भाई ऐसा रेडस्टोन है, ये प्रेशर प्लेट पे हिट करते हैं, प्रेशर प्लेट पे एरो आता है तो अपने आप दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे कि एरो शूट किया तो इस तरीके की प्रेशर प्लेट एक्टिव हो जाती है, पिस्टन्स वगैरह सब कुछ खुल जाते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर इसका भी देखना है कैसा कर सकते हो। और यहाँ से बस आओ सामान उठा लो। तो मेरी इन्वेंट्री में आ गया सामान और मैंने एक गलती कर दी है, मैंने प्लेस नहीं किया। लेट मी जस्ट प्लेस इट, आई मीन फिक्स इट। ये लो फिक्स कर दिया है और मैं बाहर भी चला गया, यहाँ से वो एरो भी उठा लिया मैंने, जस्ट लाइक दैट। यस तो हम यहाँ से निकलेंगे, अब हम चलेंगे अपने स्पेस रूम की तरफ। इवन दैट रूम, वो भी एक रूम है जो कि ग्लिच्ड है, आई मीन ग्लिच्ड कह लो कि उन ब्लॉक से बनाया है जो कि तुम गेम में ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। अगर अगला अपडेट आ गया तो तुम ऑब्टेन कर ही नहीं पाओगे अगर अगला अपडेट आ जाता है। तो हम लोग यहीं पे हैं, तो आई विल शो यू गाइज। ये मेरा क्या कहते हैं इसको, शुगर केन। यस शुगर केन फार्म है। ये अपने आप ऑटोमेटिक है, आई मीन इधर बनाना था, आई वाज टू लेजी तो बनाया नहीं भाई। ऑटोमेटिक जैसे ये तीसरा ब्लॉक ग्रो होता है, सिग्नल भेजता है, सिग्नल इसमें आता है और एक्टिव हो जाता है पिस्टन, और इसमें से इसमें गिर जाता है। इतना एफिशिएंट नहीं है पर ठीक ही ठाक है यार, कुछ ना करने से कुछ करना ही अच्छा है। तो ये हमारा एक रूम जा रहा है, यहाँ पे वही वैसा ही डोर बनाना है जैसा वहाँ पे डोर बना था। अभी उतना टाइम नहीं मिल रहा है तो फ्यूचर में कभी बनाएंगे। तो इफ वी गो डाउन, थोड़ा तेज जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे इफ यू नो कि सोल सैंड तुम्हें ऊपर फेंकता है, और इसको जो भी कहते हैं लावा, अरे यहाँ पे कुछ था याद नहीं। तो दैट्स माई स्पेस रूम। इफ आई गो इनसाइड यू कैन सी अ बंच ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, लाइक दैट्स ए स्पेस रूम। लाइक जस्ट लुक एट दैट, इट्स लाइक अ 3D कॉलम। अगर तुम मूव करते हो तो इवन द ब्लॉक इज गोना मूव विथ यू, जस्ट लाइक दैट यार। सो इट्स वन ऑफ माई फेवरेट रूम्स कह लो कि कुछ भी कह लो। और यहाँ पे हमारा एंड पोर्टल भी है एक तरीके का, एंड इट इज़ वर्किंग। इट्स सेम लाइक इसी कॉलम को ही तोड़ के निकाला है लाइक ग्लिच के थ्रू ऑब्वियसली लाइक। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे और अब चलते हैं विलेज के पास। तो हमें अपना विलेज लाइक दिखने लग गया है, इट्स एक्चुअली ओवर देयर, लाइक एज यू कैन सी वहाँ पे दिख ही रहा है मेरे को, थोड़ा पास जाने दो। और ये हमारी वॉल्स है कि बाई चांस विलेजर्स वगैरह अटैक करें। लाइक बनाया था भाई पर कुछ सब्सक्राइबर्स ने लाइक क्रीपर्स बुला बुला के, आई मीन साइड में से ऑब्वियस सी बात है यार, क्रीपर तो उड़ा ही देगा, तो इसको उड़ाया तो भाई हमारे पूरे के पूरा पूरा का पूरा विलेज सुनसान हो गया, जिनमें से अभी सिर्फ एक ही विलेजर कहीं ना कहीं बचा होगा। लेट मी फाइंड हिम। ओके तो दैट्स दी लास्ट विलेजर दैट वी हैव इन अ विलेज राइट नाउ, और इसके अलावा कोई नहीं है विलेज में। सो आइदर व्हाट आई कैन डू इज़ इसको गिल्टी ना उतना फील हो, तो मेरे पास है कुछ एग्स, मैं कर सकता हूँ उनको स्पॉन अभी। लेट मी सी कौन से शिकर बॉक्स में तो एग्स वगैरह रखे हैं मैंने उनके, एवेंजर नहीं करना भाई, स्ट्रे भी नहीं, पिलेजर भी नहीं भाई, पंगा हो जाएगा। जॉम्बी विलेजर नहीं, विलेजर यस ये रहा। और भाई हम नया घर फिर से दे रहे हैं इन्हें, जस्ट लाइक दैट हमारा फिर से विलेज फिर से आबाद हो गया है। ओ ओके हाँ हमारा विलेजर फिर से आबाद हो गया भाई, तुम उधर जाओ, आल ब्रेक यू, कुछ ज़्यादा ही ब्रेक हो गया, और तुम वापस मेरे आइटम में जाओ। तो दैट इज़ माई विलेज, आई मीन क्रीपर ने ही ये सब उड़ा दिया था, आई विल फिक्स इट लेटर ऑन। वहाँ पे हमारा फूड है, हाँ आई फॉरगॉट टू शो यू वन मोर थिंग। इफ वी गो दिस वे दैट इज़ आर फ्रिक शीप,
हम इसको मशीन को ऑन करते हैं एज यू कैन सी. सो जस्ट लुक एट मी बिच. यस दैट्स राइट. यू लाइक इट. सो तो ये बनाया था भाई हम लोग ने, आई मीन प्यूडीपाई का कॉपी करके. सो अब इस जगह पे तो कुछ दिखाने के लिए बचा नहीं है. तो आई विल शो यू दी सीक्रेट बेस दैट राघव इज हाइडिंग. तो उसके लिए हमें -2000 ब्लॉक्स पे जाना पड़ जाएगा. तो उसी के पास भाई हम जा रहे हैं. 200 ब्लॉक्स ही बचे हैं. ओके अभी आ रहे हैं. तो दैट्स दी मॉडर्न हाउस जो राघव सीक्रेट में बिल्ड कर रहा था. एंड बिलीव मी इट डज लुक गुड यार. सो इफ वी गो इनसाइड, सबसे पहले लिखा आयरन इज नॉट अलाउड, पर एज यू कैन सी मेरा अभी इस समय नाम आयरन प्लेज है. तो आई एम अलाउड वो मेरा नाम नहीं है. बेस ऑफ शुभम एंड राघव नॉट आयरन. ओके बिल्ड बाय शुभम एंड राघव नॉट आयरन. तो इन लोग ने मेरे को थोड़ा सा भी वो नहीं दिया है. तो अच्छा खासा एंट्री लोगे तो देयर इज लाइक अ फिश फॉर स्विमिंग में भी लाइक पता नहीं आई डोंट नो. तो यहाँ पे सन बात वगैरह कुछ भी लेना चाहो ले सकते हो. पेड़ भाई कस्टम बिल्ड है. अब पेड़ यार अच्छा लुक दे रहा है इवन विद द ब्लॉक्स. इस साइड आएंगे तो पीछे भी लाइक बैल्कनी टाइप की यहाँ पे है और सनरूफ, और वहाँ पे यू कैन ईट समथिंग लाइक बारबेक्यू. हाँ बारबेक्यू कर सकते हो और यहाँ पे आके बारबेक्यू खा सकते हो टाइप का फिजिकल. सो विल गो इनसाइड. ये हम पीछे से भी भाई जाएंगे. द किचन लिविंग रूम है इधर और कुछ है भाई देखने लायक. इफ वी गो ऊपर बालकनी और बालकनी है भाई और दैट्स अ लिविंग रूम. यहाँ से बेड राघव ने हटा दिया था क्योंकि ही वॉज ट्राइंग टू स्पॉन. एंड दैट्स अ कंप्यूटर. लेकिन कंप्यूटर को पैर से चलाना पड़ता है भाई. आई मीन ऐसा बनाया है इसने. और थोड़ा बहुत स्टोरेज वगैरह सिस्टम है यहाँ पे. टाइम क्लॉक वगैरह सब भी लगी है. आई मीन एक तरीके का अच्छा वैसा रूम है क्या मॉडर्न हाउस टाइप का. यस सो ओवर हेयर मोर रूम्स छोटे मोटे कुछ भी कह लो. उसमें क्या है? Oh, that's something that I don't need. Okay, thank you. तो यहाँ पे आएंगे. As you can see, storage वगैरह सब कुछ put किया गया है. One more computer जो पैर से चलाना पड़ता है भाई क्योंकि pressure plate है. और तुम्हारा mouse जो कि उल्टा लगा उस direction में face कर रहा है. कोई नहीं, हम उसको नहीं fix करेंगे. और यही कुछ है भाई यहाँ पे. तो like अभी तो इतना ही बना है. That's a yes. I fixed the pattern. नहीं तूने पैटर्न फिक्स कहाँ किया है? पैटर्न अभी भी गलत है. तो लाइक स्विमिंग कह लो लाइक अच्छा लगता है बात लेने के लिए और सम लाइटिंग और यहाँ पे भी बात लेने के लिए और तुम्हारा तौलिया टाइप का कह लो. और वो तुम्हारा मिरर है बाय द वे. यस दैट्स अ मिरर. तो हम लोग यहाँ से अभी निकलेंगे. और बाहर भाई बाहर का रास्ता किधर है? हम यहाँ से ही जाएंगे. यहाँ पे अभी राघव कुछ बिल्ड कर रहा है. एज यू कैन सी इतना बड़ा बिल्डिंग भाई बनाया है. सो ही इज एक्चुअली प्लानिंग टू बिल्ड समथिंग. ओके सो आई एम एट दी बेस और मैं तुम लोग को एक्चुअली में अपना मोस्ट एपिक बिल्ड दिखाना तो मैं बेस पे भूल ही गया. सो दैट्स द रूम. गो डाउन और डाई टू द अरीना दैट लुक्स. हाँ बहुत टाइम ले लिया भाई बनाने. और यहाँ पे फूड चेन टाइप का बनाया है. ये फूड ड्रॉप करता है भाई मेरे को भी तो. और थोड़ा जहर भी ड्रॉप करता है. एज यू कैन सी ही डिड ड्रॉप अपर फिश जो कि इंटेंशन नहीं था. राघव ने डाला होगा. और दैट्स अ टनल जो कि टनल भाई अच्छी दिखती है. और हम इस टनल को फॉलो करते हुए चलेंगे. लाइक टनल बहुत ही ठीक ठाक टनल इस रीज़न से बनाया था ताकि बंदे यार कुछ होते हैं ना कि उधर जाके इधर जाने लग गए वगैरह वगैरह. तो हम नहीं चाहते थे कि ब्रेक करें. वो सब इस वजह से प्लेस किया. आई वाज ट्राइंग टू टेक अ थंबनेल. तो उसी लाइक क्योंकि फ्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इट्स स्टिल इन सर्वाइवल. तो दैट्स माय पीवीपी अरीना. ये है भाई पीवीपी अरीना. यहाँ पे पीवीपी भी करते हैं. लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर कोई करना चाहता है भाई. आई विल रैक यू मैन. यस
तो दैट्स दी होल एरिया वेयर वी डू पीवीपी। और यहाँ पे जो बंदे मर जाते हैं तो स्पेक्टेट कर सकते हैं यहाँ से। और एक और स्पेक्टेकिंग रूम है जो कि हमारे लिए तो एक वे है जाने के लिए, तो हम यहाँ से जाएंगे, जो कि एक सीक्रेट नहीं रह जाएगा क्योंकि मैं वीडियो पे दिखा दूंगा। तो बंदे भाई यहीं से जाएंगे, घुस जाएंगे ऊपर। और भाई दी रेड स्टोन, द रेड स्टोन दैट लुक्स कॉम्प्लेक्स बट इट्स सिंपल ट्रू, कही है बात भाई, एकदम ट्रू बात कही है ये। देखने में एकदम कॉम्प्लेक्स है पर बहुत ज़्यादा इजी है ये इसको बिल्ड करना। लाइक इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट स्टफ। लाइक बस क्या कर रहा हूँ मैं, 5 वायर्स को लेके जा रहा हूँ नीचे से, ऊपर से नीचे लेके जा रहा हूँ, बस इतना। तो यू कैन सी हम लोग ने ट्रांसपेरेंट बनाया क्योंकि यार देखने में अच्छा लग रहा था, कॉम्प्लेक्स लग रहा था पर एक्चुअली में कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो हम इस वे पे जाएंगे। लाइक ये जो बिल्ड था भाई बहुत लंबा लास्ट किया है, और वो वापस गया हमें नीचे गिरने से, सीसा टूटा हुआ। होपफुली पीसफुल पे नहीं रखना, हम इजी पे रखेंगे, मॉब्स क्योंकि स्पॉन करना है। तो इफ आई ओके लैग चालू, इफ आई प्रेस अ बटन ओवर हेयर, हाँ यहाँ से पूरा रेडस्टोन सिग्नल जाएगा वहाँ से पूरा वहाँ तक का। सो एज यू कैन सी हम लोग मॉब्स भी अपने मन के मुताबिक स्पॉन कर सकते हैं कहीं पे भी, एज यू कैन सी। और एक बॉस बटन है ये, इसको डिस्क्रिमिनेशन इज जो भी कह लो, लाइक इसको क्यों अलग बनाया है मैंने, क्योंकि एक तरीके की बॉस बटन है। इफ वी प्रेस दिस जस्ट लुक डाउन, 20 प्लेजर्स स्पॉन लेते हैं भाई, 20 प्लेजर्स। और भाई पीवीई तो भाई फिर गजब का हो जाता है फिर यहाँ पे क्योंकि उतना अच्छा ओपी आर्मर हम लोग नहीं देते, तो पीवीपी अच्छा हो जाता है, पीवीई अच्छा हो जाता है। सो फाइनली अब हमारा ये बेस का टूर हो गया है इस जगह का। नहीं, एक रोचा है, वाह उसको मिस कर दे रहा हूँ। लाइक ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इट्स दिस शॉप दैट आई मेड। तो क्या करना, पहले पेमेंट यहाँ डालनी होती है, फिर पेजेस सेलेक्ट करने होते हैं कौन से पेज पे हमें भाई सामान चाहिए। तो और उसके बाद अगर हमारे पास स्टॉक है तो बटन दबाएंगे तो सामान आ जाना चाहिए, एज आई सेड। अगर यहाँ पे डायमंड तुम नहीं करोगे तो सामान नहीं मिलेगा। और राइट, इसके पीछे का रेडस्टोन भाई ये है, और इट्स एक्चुअली अ बिट कॉम्प्लेक्स पर उतना भी नहीं है भाई। हाँ, सो आई वाज सेइंग इट डज लुक कॉम्प्लेक्स बट इट्स नॉट दैट मच। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर भाई ये देखना है कैसे बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे स्टॉक पता चलता है, अगर इनमें स्टॉक हुआ तो ये लाइट जलेगी, और ये पता नहीं क्यों जल रही है। अच्छा, इसमें स्टॉक है क्योंकि इसमें भी स्टॉक होना चाहिए तो लाइट जल रही है, इसमें स्टॉक नहीं तो ये लाइट नहीं जल रही है। तो ऐसे हम लोग जान सकते हैं कि क्या स्टॉक है क्या स्टॉक नहीं है। वहाँ पे लाइट जल रही है तो हम उस पेज पे आए तो हमें पता है कि हाँ वो स्टॉक है। तो अब फाइनली ये बेस का वे कंप्लीट हो गया है, अब हमें बहुत दूर फिर से जाना है। सो आई कैन एक्चुअली शो यू गाइज वन मोर थिंग, आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइज कि अगर इस वे को हम लोग कार्ट से यूज करते हैं तो कम से कम 5 मिनट लगते हैं यहाँ पे आने पे, और अगर उड़ के आते हैं तो 1 से 2 मिनट लग जाते हैं भाई लिटरली सिर्फ यहाँ पे आने पे। तो ये हमारा विलेज है, यहीं पे एंड पोर्टल भी है जो स्टार्टिंग में था, और वी हैव टू गो दिस वे। सो ये हमारा एक्सपी फार्म भी है, और बहुत अच्छा फार्म है भाई ये, लिटरली इट्स माई वन ऑफ माई फेवरेट बिल्डिंग्स। तो जैसे ही हम पास जाएंगे थोड़ी देर में ही रेंडर होना चालू, एज यू कैन सी वो रेंडर हो रहा है। सो दैट इज माई बिल्डिंग, दैट्स माई बेब राइट देयर। ये इतना गोल्ड प्रोड्यूस कर सकती है, इतना गोल्ड प्रोड्यूस कर सकती है, क्या बताऊँ। तो इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, हम लोग नीचे का चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एज यू कैन सी अभी भी सामान पड़ा है भाई, स्टोरेज से कनेक्ट नहीं किया हम लोग ने। सो हाउ इट वर्क्स इज सेटिंग्स पीसफुल इजी पे डालेंगे ताकि मॉब्स वगैरह स्पॉन लेना चालू करें। जब तक वो लोग स्पॉन ले रहे हैं मैं पीछे के दिखा रहा हूँ, ये हमारा एक स्मेल्टर है, तो जितने भी तलवार यहाँ पे आएंगे हम लोग यहाँ से स्मेल्ट कर सकते हैं, गोल्डन नगेट्स में बना सकते हैं और नगेट्स से गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। और उसके बाद यहाँ अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा स्टोरेज वो बना रखा है, पीछे का लुक देखो भाई, दी रेडस्टोन वर्क, जस्ट लुक एट दैट, इंटेंस रेडस्टोन चल रहा है बट इट इज अ साइलेंस रेडस्टोन, लाइक तगड़ा है भाई।
एज यू कैन सी सामान यहाँ पे स्टोर हो रहा है, इसको अभी हॉपर से कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि अगर कनेक्ट कर देंगे तो फालतू का सामान अभी तक का एक तरीके का स्टोरेज सही से बनाया नहीं है। तो ऐसा ही मॉड्यूल हमें इन कोने में भी बनाना है, तो इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। सो एज आई सेड जस्ट लुक एट देम, तो मॉब्स वगैरह स्पॉन लेने लग गए हैं और हमारे पीछे भी एक मॉब आ रहा है, तो आई लाइक टू किल हिम। हां तो मॉब्स वगैरह स्पॉन लेने लग गए तो इनके ऑटोमेटिक मारने के लिए भाई पिस्टन ऑन करेंगे और एक तरीके का ट्राइडेंट किलर। तो बस हमें यहाँ पे एएफके जाना है और अच्छा खासा भाई एक्सपी मिलेगा और यहाँ पे हॉपर्स भी लगे हैं, तो हॉपर्स में अपने आप सामान वगैरह सब कुछ एलिगेंट से हॉपर्स वगैरह लगे तो हॉपर्स के सामान गिरता है और वहाँ से सामान नीचे चला जाता है। सो यह तो अभी के लिए तो हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि अंदर कंस्ट्रक्शन कितना सामान चाहिए, तो ऐसे काम करता है। तो ट्राइडेंट वहाँ से मूव करता है और ट्राइडेंट इनफिनाइट ट्राइडेंट कभी टूटेगा नहीं यहाँ पे क्योंकि तुम्हारा प्लेयर नहीं यूज़ कर रहा है, एक ब्लॉक मूव कर रहे हैं हम। सो यस दैट्स इट फॉर द वीडियो, इतना ही भाई अभी कुछ बनाया है लाइक डेथ जोन का सामान तो अभी स्टार्टिंग ही करने लग गए थे, तो होपफुली यार पसंद आया होगा। दैट वॉज माई वर्ल्ड टूर, लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर पसंद आया हो तो। यप तो सी यू इन लाइव स्ट्रीम, यस।